नमस्कार, मैं अनु वर्गीस बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने किया अंतर विभागीय फुटबॉल स्पर्धा का उद्घाटन। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में अनेक कार्यक्रम। राजयोगिनी डॉक्टर प्रभा बहन से तनाव प्रबंधन के गुर सीखे बालको अधिकारियों और कर्मचारियों ने। बालको के कैंसर जांच शिविरों से अनेक लाभान्वित। अब खबरें विस्तार से। बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने बालको की अंतर विभागीय फुटबॉल स्पर्धा का उद्घाटन किया। 12 मार्च से शुरू स्पर्धा के उद्घाटन अवसर पर अनेक बालको अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवारजन मौजूद थे। बालको अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोरंजन, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से बालको के मानव संसाधन विभाग ने अंतर विभागीय फुटबॉल स्पर्धा आयोजित की। बालकोनगर केंद्रीय विद्यालय परिसर में 12 मार्च से शुरू 8 दिवसीय स्पर्धा का उद्घाटन बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने किया। उद्घाटन अवसर पर बालको के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी मौजूद थे। श्रीमती गुप्ता ने आयोजन के लिए मानव संसाधन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों की हौसला अफजाई की दृष्टि से ऐसा आयोजन महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स और मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस बार उन्होंने एम्प्लॉयज को छोड़ के एम्प्लॉयज की वाइफ्स को भी एक मौका दिया है खेलने के लिए। हमारी ये पहली कोशिश है, हम एचआर का तो काम ही है मोटिवेट करने का, तो आपकी मोटिवेशन से हम लोग उतर तो रहे हैं फील्ड में। श्री जोशी ने आयोजन की रूपरेखा से दर्शकों को अवगत कराया। टूर्नामेंट में 28 टीम्स है जिसमें की बालको के रेगुलर एम्प्लॉयज है वेरियस डिपार्टमेंट के, उनकी टाइज डाल के अगले 7 दिन तक मैचेस होंगे। 28 टीम्स जो की बालको के एम्प्लॉयज की है, उसके अलावा 3 टीमें महिलाओं की है जिसमें की 2 हमारी फीमेल एम्प्लॉयज की है, और हमने लेडीज क्लब को रिक्वेस्ट किया है जिस तरीके से आप लोगों ने दूसरे कार्यक्रम में हमारा साथ दिया है, इस बार आप अपनी एक टीम यहाँ पे उतार के हमारी फीमेल एम्प्लॉयज जो है जो कि आपके साथ लीग मैचेस खेलेंगी। श्रीमती गुप्ता एवं बालको अधिकारियों ने उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्पर्धा में बालकों के विभिन्न इकाइयों के 28 पुरुष टीमों ने भाग लिया। महिला कर्मचारियों की 2 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ प्रबंधन, बालको महिला मंडल, प्रतिनिधि यूनियन, इंटेक और अन्य श्रमिक संगठनों की टीमों ने भी स्पर्धा में भागीदारी की। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने भी आयोजन का लुत्फ उठाया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री गुंजन गुप्ता जी और श्री अमित जोशी जी आज के खिलाड़ियों और मैच रेफरियों से परिचय प्राप्त करते हुए आज का यह प्रथम के अलावा गर्ल्स इस बार गोल पोस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को छकाते हुए गर्ल्स प्लांट की टीम और इस तरह से गोल पोस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए और यहां पर पहला गोल करते हुए
लेके बढ़ते आगे बढ़ते हुए संतोष सिंह जी और आगे अपने ही गोल की तरफ। बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन चूके प्रयास करती हुई गर्ल्स हॉस्पिटल की टीम, अच्छा मौका था यहाँ पर। और इसी तरह भरपूर और ये गिर गए और तुरंत उठ गए, बॉल को गिर गया, अच्छा बॉल बिलाल साहब के पास और दांत को सकाते हुए बॉल साहब को देते हुए और किया गया और एक काफी अच्छा की प्रतिनिधि संघ के खिलाड़ियों के पास और ये अचानक गिर गए और इस बॉल को क्लियर किया गया। बारिया जी इसे बॉल को क्लियर कर रहे हैं और अमल दास एक बार फिर बॉल के पास, बॉल को चकाते हुए खिलाड़ी क्लियर किया, प्रसाद सर के पास बॉल, सीबीआर राजू द्वारा बॉल अटैक किया गया लेकिन बॉल छीन ली गई, फिर बॉल अमल दास के पास, बैक पास दिया गया, बच गए अमित जोशी जी ने बॉल पास साहब को पास दिया और ये बॉल एक खतरा बनता हुआ और ये वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के मौके पर अनेक स्पर्धाएं आयोजित हुई। बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने सुरक्षा जागरूकता की दृष्टि से आयोजित स्पर्धाओं में छात्र छात्राओं की भागीदारी को प्रशंसनीय बताया। बालको नगर स्थित वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती मोनिशा गुप्ता और विशिष्ट अतिथि श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। श्रीमती गुप्ता ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विधानता की इन कार्यक्रमों का आप पूरा फायदा उठा रहे हैं और मेरे को ये देख के और भी खुशी है कि हमारे बालको लेडीज क्लब की कितनी लेडीज यहाँ पे हैं। मैं जब भी मिलती थी और ये मेरे को बताते थे ये कंप्यूटर क्लासेस के लिए जा रहे हैं तो मैं सोचती थी किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मगर आई एम हैप्पी टू लर्न कि ये भी किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कम नहीं है और आप लोगों के इधर आने से आई एम श्योर बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत हौसला मिलता है और आप लोगों की पार्टिसिपेशन से ही इधर का पूरा कैलिबर ऊपर बढ़ता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की प्रेजेंस ने इस इंस्टीट्यूट को एक नई दिशा और एक मोटिवेशन और आई एम श्योर जो स्पिरिट की जरूरत थी वो मिली है, सो आई एम वेरी हैप्पी। श्रीमती गुप्ता और श्रीमती श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। सावित्री यादव वो भी सामने आएंगे, स्थान प्राप्त की थी अंकिता, पुरस्कार देते हैं तो जोर से ताली बजाएंगे, हम हिंदी नारा में ताली को बजाते हैं। और जब प्राप्त करते हैं तो जोर से ताली बजाते प्राइज को, तो जोर से ताली। वेदांत फाउंडेशन के सहायक क्षेत्रीय समन्वयक श्री प्रमोद जांगड़े ने अतिथियों को वेदांत फाउंडेशन की जानकारी दी। वेदांत फाउंडेशन के शिक्षक श्री सचिन जोगी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में अनेक शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री महादेव बंजारे ने किया।